महाराष्ट्र का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनादेश मिला था। उस जनादेश का अनादर करते हुए शिवसेना नेते उद्धव जी ठाकरे साहब ने अलायंस जो था उसके खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाई और पूरे 2.5 साल तक किसान विरोधी महाराष्ट्र द्रोही और युवक कल्याण का कोई भी कार्यक्रम ये सरकार ने नहीं किया। कोविड के समय में जो राहत पैकेज देना चाहिए था वो दिया नहीं गया। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज दिया लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। उल्टा कोविड के समय में जो कोई दवाई थी, मास्क थे, पीपी किट थे, उसमें भ्रष्टाचार किया, उसकी चौकसी अभी भी चालू है। लेकिन उसके बाद जो 2.5 साल के बाद जो सरकार हमारी आई वो 2.5 साल में विकास के बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए और वही विकास के काम लेके हम अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी जनता के दरबार में जा रहे हैं। और 6 महीने पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जो बजट पेश किया उस बजट में जो प्रोविजन है ये जनता उपयोगी जनहित की प्रोविजन है। फिर लाड़की बहना हो, किसान को सोलर पंप 90% से सब्सिडी से देना हो, महिलाओं के लिए 3 गैस सिलेंडर देना हो, ये जो संसार उपयोगी और किसान उपयोगी चीजें बजट प्रोविजन में की गई, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फेवर में वातावरण है। महाराष्ट्र में मोदी जी का जो दौरा हुआ, सॉरी महाराष्ट्र में जो अमित भाई का दौरा हुआ, वो नागपुर, संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापुर और बम्बई में जो दौरा हुआ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पब्लिक आई, उसमें से ये तय है, पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के साथ इस महाराष्ट्र की जनता है और 2024 में 24 के चुनाव में फिर से हम जीतेंगे और महायुति की सरकार बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। आपका जो सर्वे किया गया, 185 तक हमारी जीत होगी, हो सकती नहीं होगी। संजय राउत ने कहा है कि 26 नवंबर को हम सरकार बनाएंगे। देखिए संजय राउत सवेरे उठे, खाना खाने के पहले, चाय पीने के पहले रोज यही बोलते हैं। अरे भाई साहब, वो उनका अपना फैसला है, उससे मैं क्यों टिप्पणी करूँगा। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों राजनीति में जाऊँ, उन्होंने अपना निर्णय घोषित कर दिया है। सर, आपने खुद को शिवाजी और अब्दुल सत्तार को औरंगजेब कहा था, इस पर क्या कहेंगे? सवाल का जवाब दे दिया मैंने, ट्रोल किया जा रहा है। देखिए ट्रोल तुम आप इस पर भी करेंगे मुझे, मैं शिवाजी हूँ वो औरंगजेब है ऐसा बोला। मैं छत्रपति शिवाजी हूँ ये नहीं बोल सकता, वो ज़्यादा ट्रोल होता था। अब ट्रोल करने के लिए आप दूसरा कुछ लगता तो मैं बोल देता आपको। कौन? देखिए मैं पार्टी का नेता हूँ और इस महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का प्रमुख हूँ। मैं कहाँ जाऊँ ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी पार्टी जहाँ मुझे भेजेंगे वहाँ सब जगह मैं जाऊँगा जहाँ आप बोलेंगे। अरे भैया मैं क्या बोल रहा, आज विड्रॉल हो गए, स्थिति क्या बनती इसका अंदाजा आज नहीं लगा सकते। सर्वे किया नागपुर में और सर्वे नहीं किया, जनसभा की। महाराष्ट्र ने जो सर्वे किया कि आप चुनते हैं, जनसभा की चेहरे पहचान वाले से हम हैं। 40-45 साल से चेहरों पे से अंदर लगता, चलने पे से अंदर लगता, उन्होंने कपड़े कैसे पहने उससे अंदर लगता, डाली कैसी बजी उससे अंदर लगता कि माहौल क्या है।
इसके अंदाज से मैं बोल रहा हूँ। आपने ये भी कहा था कि सिल्लोड को अब्दुल सत्तार ने पाकिस्तान बनाया। अरे भैया मैं 100 बार बोला, एक बार और बोलू पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जैसी स्थिति, ऐसा बोला था मैंने। सिल्लोड का चक्रव्यूह जो है आपने औरंगजेब कहा है, और वो चक्रव्यूह से क्या वापिस आ सकते हैं सत्ता जी? देखिए भाई साहब आप चिंता मत करो, जिसके उसके जगह पे वो सक्षम, तुम क्यों चक्रव्यूह की चिंता कर रहे हो? तुम फंस जाएंगे बाहर कौन निकलेगा? ठीक है, थैंक यू।